चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन मायावती जी को आज कौन नहीं जानता। दोस्तों, दलित समाज या फिर यूं कहे चमार जाति को बढ़ावा देने वाले शख्स चंद्रशेखर आजाद रावण की आज की तारीख में काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग बन चुके हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण आज कहीं पर भी रैलियां निकालते हैं तो लाखों की तदगार में लोग काफी पहुंचकर उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, उनकी एक झलक के लिए देखने के लिए लोग तरसते हैं और उनकी आदतें काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग बन चुके हैं। दोस्तों, पहले कभी भी बहुजन समाज पर कोई भी विपदा आती थी तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की नेत्री एवं उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी सबसे पहले आगे आती थी और उनकी बुलंद आवाज सबको विश्वास दिलाती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद अब मायावती जी थोड़ी सी शांत हैं। उनके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण हर दिलों के राज करते हैं और वह हर दिलों में काफ़ी फेमस बने हुए हैं। लेकिन आज के दौर पर देखा जाए तो मायावती जी की जगह एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण हर किसी के दिलों में राज करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जिधर भी जाए तो भीम आर्मी यानी कि चंद्रशेखर आजाद रावण की काफ़ी जय जयकार हो रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की अभिनेत्री बहन मायावती जी और दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी कांशीराम और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण लड़ रहे हैं। अब इनके फैंस दोनों से यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द बहन मायावती जी और भाई चंद्रशेखर आजाद रावण एक हो जाए, नहीं तो इनको बहुत ही नुकसान हो सकता है। क्योंकि राजनीति के अंदर दोनों को एक होना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में भाई चंद्रशेखर आजाद रावण की काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग भी हैं और वो हर समय अपनी समाज की आवाज़ को बुलंद करने पर खड़े उतरते हैं। दोस्तों, आज कोई हर दुआ यही दुआ देता है कि दोनों को एक होना जरूरी है, तभी हमारी समाज आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, यदि आप भी यही चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन मायावती जी एक हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय भीम, जय संविधान।